Good morning students. Welcome to my channel Fine Arts with Suresh. Today we are here to discuss about a sculpture of seated Buddha from Katratila. You can see the picture on the screen. A Buddha is sitting on a platform. It is made up of सैंडस्टोन रेड सैंडस्टोन ओके सो शेल यू स्टार्ट ओके सीटेड बुद्धा फ्रॉम कटरा टीला दिस इज़ अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ मथुरा स्टाइल ऑफ बुद्धा फ्रॉम कटरा टीला हैविंग नो फॉरन इन्फ्लुएंस ऑफ कुशान पीरियड कुशान पीरियड का इसमें कोई भी इंफ्लुएंस नहीं था इट इज़ कार्व्ड इन रेड सैंडस्टोन मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो बुद्धा बनाया गया है जो अब अब कटरा टीला से मिला है इस पर मथुरा का अपना एक टिपिकल स्टाइल इसमें दिखाई देता है मथुरा के आर्टिस्ट लोगों का और ये आ, वहाँ पे मिलने वाले आसानी से जो मिलता है एक स्टोन है दैट इज़ रेड सैंड स्टोन इस पे ये बनाया गया द बुद्धा सिट्स इन पद्मासन पद्मासन आप सभी को पता है किस तरीके से बैठते हैं दोनों पैरों को पाल, आलती पालती मारकर उनके फीट्स को ऊपर की तरफ लेते हुए पद्मासन द राउंड फेस हैज़ द सेम स्माइलिंग एंड फ्रेंडली एक्सप्रेशन विथ इनर ब्यूटी एंड स्परिचुअलिटी इन द स्माइल बुद्धा के फेस पर आप देख सकते हैं हल्की सी स्माइल है जो आ, बहुत ही फ्रेंडली और आ, जो कि इनके इनर ब्यूटी को शो करती है जो सबके लिए एक जैसा है स्परिचुअलिटी आध्यात्मिकता भी मतलब एक ध्यान में बैठे हैं और हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पे दिखाई दे रही है द कर्ली हेयर्स हेयर फॉर्म्स टुफ ऑन द टॉप ऑफ द हेड जैसे कि आपने देखा है ऋषि मुनियों को जब उनके उनके बालों को किस तरीके से वो ऊपर की तरफ एक जूड़ा बना के रखते हैं वैसे ही इसमें भी दिखाया गया है। बिहाइंड द बुद्धाज हेड इज़ राउंड हेलो डेकोरेटेड विथ सेमी स्फीयर्स द लेफ्ट शोल्डर इज कवर्ड विथ अ मल्टी फोल्डेड ड्रैपरी ट्रीटेड अच्छा यहाँ तक फिर देखिए कि इनके बुद्धा जी के पीछे एक राउंड हॉल बना रखा है हल्का सा डेकोरेट किया हुआ है सेमी स्फियर्स के साथ देख सकते हैं आप हल्के हल्के सब उसके में सेमी बनाया हुआ है द लेफ्ट शोल्डर इज कवर्ड विथ मल्टी फोल्डेड लेफ्ट शोल्डर में आप देखें आ, कपड़े का एक दिखा रखा जिसमें फोल्ड्स दिखा रखे मल्टी फोल्डेड ड्रैपरी ड्रैपरी मीन्स कपड़ा ओके ओके ट्रीटेड एज ए सिस्टम ऑफ स्ट्रिंग्स एंड रिच ऐसा लगता है कोई जिस जैसे कोई आ, क्या बोलेंगे धागे या स्ट्रिंग्स को दिखा रखा है राइट हैंड ऑफ द स्टेच्यू इज इन आशीर्वाद मुद्रा राइट right हैंड उनका देखिए जिसे आशीर्वाद देते हैं उस तरीके की मुद्रा में है द सीटेड द सीट ऑफ बुद्धा इज शेप्ड एज एन अल्टर विथ रिज विच इज सपोर्टेड बाय थ्री लाइम्स ऑफ होम टू ऑन दर्नर आर इन प्रोफाइल वेल द सेंटर वन इज़ इन फ्रंट लुकिंग फेस देखिए जिनके ऊपर वो बैठे जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठे हैं वो उसके नीचे उनको सपोर्ट करने के लिए लाइन्स के बॉडी स्ट्रक्चर बनाया गया है दो साइड फेसिस प्रोफाइल फेसेस के साथ और बीच वाला यानी जो सेंटर में है उसे फ्रंट फेस के साथ बनाया गया है ओके टू अटेंडेंट्स स्टैंड ऑन हिज आई साइड एज एन अर्ली एग्जांपल ऑफ रिप्रेजेंटिंग थ्री फिगर्स टुगेदर, आप देख सकते हैं पीछे दो अटेंडेंट्स हैं जो उनकी सेवा करते हुए हाथ में शायद पकड़ा हुआ यस yes. चावर पकड़ा हुआ है आपने एक चवरी बियर पहले पढ़ा था इसके पहले तो उसमें देखिए उस लेडी के हाथ में जैसे चावर था तो साइड में दो अटेंडेंट्स हैं इनके हाथ में भी चावर है और ये इनकी सेवा कर रहे हैं ऐसा इसमें दिखाया गया है अर्ली द टू अटेंडेंट्स वर थॉट टू बी इंद्रा एंड ब्रह्मा बट लेटर वर आइडेंटिफाइड एज बौद्धिसत्व पीछे जो अटेंडेंस है ये पहले माना जाता था कि ये एक ब्रह्मा जी हैं और एक इंद्र जी हैं बट बाद में ये पता लगा कि ये आइडेंटिफाइड एज ए बौद्धिसत्व वज्रपानी एंड पद्म पानी उनको बीच में जो है बौद्धिसत्व हैं एक है वज्रपानी और एक है पद्म पानी ठीक है नाउ इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ म्यूज़ियम ऑफ आर्किलॉजी मथुरा मथुरा के म्यूज़ियम में ये प्रजेंट हैं कभी अगर आपको जाने का मौका मिले तो आप ज़रूर जाएं और इस, इस आपने जो पढ़ा है अपनी लाइफ में इस इन चीज़ों को देखें और समझें जो आपने पढ़ा है और जो आप देखेंगे इसको रिलेट करने की कोशिश करें इसमें हिंदी में भी एक्सप्लेन किया हुआ है आप पढ़ सकते हैं बैठे हुए बुद्धा कटरा टीला कुशान काल की कटरा टीला से प्राप्त भगवान बुद्ध की यह बैठी प्रतिमा मथुरा शैली में बनी है इस पर विदेशी शैली का कोई भी प्रभाव नहीं है विदेशी शैली जहाँ ऊपर हमने पढ़ा था देर इज़ नो इन्फ्लुएंस फॉरन इन्फ्लुएंस ऑफ कुशाण पीरियड कोई ऐसा प्रभाव नहीं है यह लाल रंग के बलुआ पत्थर को काटकर बनाई गई है यह मूर्ति पद्मासन में बैठी हुई अपने गोल चेहरे पर मुस्कान मित्रता का भाव लिए आंतरिक सुख व आध्यात्मिक भाव से ओतप्रोत है जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया था पहले ओके मूर्ति के घुंघराले बाल मस्तक के ऊपर जुड़े जूड़े की रचना करते हैं बुद्ध के मस्तक के पीछे गोल प्रभा मंडल बना हुआ है जो अर्ध गोलों से सजा है अर्ध गोले यानी कि हमने ऊपर पढ़ा था सेमिस्फीयर ओके केवल बायां कंधा कई बार मुड़े हुए वस्त्र से ढका हुआ है मल्टीफोल्डेड ड्रैपरी की बात हो रही है दाहिना हाथ आशीर्वाद मुद्रा में है भगवान बुद्ध के बैठने का स्थान ढालुआ धा, है थोड़ा सा आगे की तरफ ढलाव है जो तीन सिंह पर टिका हुआ है सिंह यानी कि लायंस। दो सिंह दोनों किनारों पर और एक सिंह बीच में है बीच वाले सिंह का मुख सामने की तरफ देखता हुआ है किनारे वाले दोनों सिंह का मुख उनकी अपनी अपनी दिशा में है मैं बाहर की तरफ देखता हुआ बनाया गया है बुद्ध को दोनों तरफ दो सेवक खड़े हैं ये दोनों बौद्धिसत्व बज्रपानी और पद्म हैं यह मूर्ति राजकीय पुस्त पुरातत्व संग्रहालय यानी कि म्यूज़ियम में आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में रखी गई है जो कि मथुरा में है सो so स्टूडेंट्स ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है पिक्चर को देखते हुए अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत ही ईजी लगेगा और देखिए लर्न तो करना ही पड़ेगा पॉइंट वाइज क्योंकि हम कोई भी अभी एग्जाम्स ले रहे हैं तो उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डालने की कोशिश करते हैं तो आप थोड़ा सा डिटेल्ड में थॉरली पढ़ें और समझें नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ आप उसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे पर्सनल नंबर पे ओके स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच फॉर द डे हैव हैवे गुड डे